गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग क्लास ट्वेल्थ के मैथ में अपना संकल्प के चैनल पर इंटीग्रेशन को पढ़ रहे हैं और इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंडशः समाकलन के अंतर्गत हम लोग चल रहे थे। बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लास है, इसमें हम केवल सवालों के जो टाइप्स है उसको अध्ययन करते हैं, लेकिन चूंकि इंटीग्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और आगे साइंस के अन्य विधाओं में भी यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी इसके इंटीग्रेशन का प्रयोग होता है, और जो लोग मैथ नहीं पढ़ते हैं उनको भी फिजिक्स में जाके इंटीग्रेशन का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए इसके बहुत सारे सवालों को और बहुत सारे एनसीईआरटी के सवालों को हम यहाँ पर लेके आते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। आगे के चैप्टर में फिर हम हो सकता है कि कुछ संक्षिप्त भाग ही पढ़ें। तो आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.6 चैप्टर में, क्वेश्चन नंबर 11 जो एनसीईआरटी के बुक में है उसको आप देखेंगे। इसमें आपका प्रश्न है एक्स कॉस इनवर्स एक्स बटा अंडर रूट 1 - x² dx, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। हम पीछे के सवालों में आपको देखे थे कि यदि हम इसको किसी चीज को t मान लेते हैं तो उससे जो खंडशः समीकरण में जो सरल रूप में आपका आ जाता है इंटीग्रेशन, और उससे आपका इंटीग्रेशन निकालना आसान हो जाता है। अब आप यहां पर यदि cos इनवर्स x को t मानेंगे तो x बराबर ये इनवर्स वाला पार्ट इधर आएगा, तो x बराबर आपका cos t आएगा। अब आप यहां पर फिर थोड़ा सा परिवर्तन देख रहे होंगे कि अभी तक हम लोग क्या करते थे कि x से यहां पर डिफ्रेंसिएशन करके आप t वाले पद यानी dt को ज्ञात करते थे, लेकिन यहां पर आप देखते हैं कि cos t का जो है डिफरेंशिएशन जो होगा वो sin के पद में जाएगा, जबकि यहां पर sin के पद का नहीं है, आपका जो मूल आपका जो इंटीग्रेशन है उसमें sin का पद नहीं है। तो आप क्या करेंगे इस सवाल में, क्या करेंगे कि यहीं पर आप डिफरेंशिएशन कर लें, क्योंकि आप देखते हैं कि जब इस यहां पर डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो आपका डिफरेंशिएशन आता है उसी रूप का यहां पर dx वाला पार्ट है। तो आप इस साइड वाले का न करके डिफरेंशिएशन इस साइड वाले का, यानी आपके पास अब दो विकल्प हो गए और आप प्रश्न के हिसाब से सुविधाजनक ढंग से इसको या इसको किसी पार्ट का आप डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर यदि हम cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये आपको आएगा -1/√1 - x² dx बराबर dt। जब ऐसा हम जब लिखेंगे तो आपका जो मूल इंटीग्रेशन था वो चेंज करेगा। देखिए यहां पर x जो था उसके जगह पर हम यहां पर cos t लिखेंगे, उसके बाद आपका जो cos इनवर्स x था उसके जगह पर आप t लिखेंगे, और यहां पर dx बटा जो अंडर रूट 1 - x² था तो यहां देखेंगे dx बटा अंडर रूट 1 - x² बराबर dt। यहां पर माइनस जो है एक्स्ट्रा है, इसलिए ये माइनस इधर ले जाएंगे, यानी dx बटे जो आपका अंडर रूट 1 - x² है बराबर -dt आपका हो जाएगा। तो ये आपका पहले की तरह इस भाग के लिए आपका यहां पर dt और ये माइनस आपका पहले आ गया। तो आपको इस रूप में इंटीग्रेशन को आपको हल करना है, माइनस को बाहर छोड़ देंगे और पहले की तरह ही यह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आप इसको प्रथम जो फलन मानते हुए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, t बाहर cos t का इंटीग्रेशन माइनस फिर t का डिफरेंशिएशन फिर cos t का इंटीग्रेशन और टोटल का फिर इंटीग्रेशन। अब यहां cos t का इंटीग्रेशन sin t, यहां पर t का डिफरेंशिएशन 1 dt by dt 1 cos t का इंटीग्रेशन फिर यहां पर sin t। अब यहां पर सबका फॉर्मूला लिखा गया है, इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस टी साइन टी माइनस माइनस प्लस, और यहां पर 1 × sin t यानी साइन टी का जब इंटीग्रेशन होगा तो माइनस कॉस टी होगा और प्लस टी। यहां पर अब आपको टी वाले को फिर एक्स वाले रूप में चेंज करना है जो प्रश्न का भाग था, तो इसमें आपको एक्स बराबर कॉस टी है, यानी सभी पदों को साइन टी से कॉस टी में बदलना होगा ताकि आप एक्स का वैल्यू उसमें पुट कर सके। तो साइन टी यहां पर आपको आया है आंसर में, तो साइन टी को कॉस टी में बदलने पर अंडर रूट 1 - cos² t लिखेंगे, ये कॉस टी में है इसलिए उसको छोड़ देंगे, और जब कॉस टी वाले भाग में जब बदल जाएगा आपका आंसर तो सभी जगह कॉस टी के जगह पर एक्स का वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। तो यहां पर ये टी बराबर जो है कॉस इनवर्स एक्स, और यहां पर 1 - cos² t के लिए cos t के जगह पर x रख देंगे तो अंडर रूट 1 - x² ये पहले लिखेंगे और t के जगह पर cos इनवर्स x बाद में लिखेंगे।
फिर यहाँ cos t के जगह पर x लिखेंगे तो आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा और इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 11 बन जाएगा। अब जो नया टाइप का जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें आपको इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx है। अब आप यहाँ पर देखेंगे विशेषता कि इसमें एक ही फलन है और इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस के रूप में बना रहे हैं। क्यों ऐसा बना रहे हैं? इसका कारण है कि अभी तक आपने जितना इंटीग्रेशन पढ़ा है, जो फॉर्मूला आपने यूज किया है, उसमें डायरेक्ट tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला आप नहीं जानते। इसलिए जब tan इनवर्स x का जब इंटीग्रेशन आपको निकालना हो तो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड से बनाते हैं और इसमें दूसरा फलन नहीं दिया है इसलिए दूसरा फलन को हम 1 मानते हैं, tan इनवर्स x * 1 dx। तो ये दो फलन यदि आपको आ जाएगा तो इसमें tan इनवर्स x को पहला फलन मानते हुए खंडशः समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो tan इनवर्स x बाहर, अब 1 का इंटीग्रेशन यानी dx का इंटीग्रेशन होगा, अब माइनस फिर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन और फिर dx का इंटीग्रेशन और टोटल का इंटीग्रेशन फिर निकालना है। अब यहां dx का इंटीग्रेशन x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x स्क्वायर, dx का इंटीग्रेशन x और ये फिर टोटल का इंटीग्रेशन। अब आप इसको सीधा करके लिखेंगे x पहले x * tan इनवर्स x। अब यहां पर देखते हैं कि पहले जो हम लोग इंटीग्रेशन बनाए थे उसमें कि नीचे वाला जो हर है इसको यदि हम t मानते हैं तो ऊपर वाले को dt रूप में चेंज करते हैं। तो यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यदि टी माना जाए तो ये 0 और एक्स स्क्वायर का 2x dx होगा। अब यहां पर 2 नहीं है तो यहां पर हम 2 अपने मन से रख देंगे या यहां पर 1/2 कर देंगे, ऐसा सवाल हम पहले भी बना चुके हैं। तो यहां पर लिखते हैं 1/2 2x dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब हम टी मानेंगे तो ऊपर वाला 2x dx बराबर dt आपका आ जाता है। तो अब आपका इंटीग्रेशन बदल के यहां पर ऊपर में dt या नीचे वाला t आ जाता है। 1 by t dt यानी dt by t का इंटीग्रेशन होता है log t और t का वैल्यू फिर लास्ट में हम 1 plus x स्क्वायर रख देंगे, इधर साइड वाला उसी तरह उतरते चला जाएगा तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 बन जाएगा। अब इसका प्रश्न संख्या 15 देखिए, इसका प्रश्न संख्या 15 में है x स्क्वायर प्लस 1 log x dx। तो आप जानते हैं कि आईलेट में log वाला जो है एलजेब्रा वाला पद से पहले आता है तो आप ये log x को पहले लेंगे और इसको एलजेब्रिक फंक्शन को बाद में लेंगे x स्क्वायर प्लस 1 को और फिर इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर तोड़ देंगे, log x बाहर फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस log x का डिफरेंशिएशन और फिर सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। इसका जो आपका इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3 होगा और यहां पर 1 यानी dx का इंटीग्रेशन x माइनस यहां पर log x का डिफरेंशिएशन 1/x और फिर इसका इंटीग्रेशन उसी प्रकार x क्यूब बाय 3 प्लस x और टोटल का इंटीग्रेशन फिर करना है। अब आप x क्यूब बाय 3 प्लस x को पहले ले आए, log x को बाद में ले आए और इसको सीधा करके लिखें और माइनस इसमें आप अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें इसका गुणा होगा तो x से x क्यूब कटेगा तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर बाई थ्री, एक्स स्क्वायर बाई थ्री dx। तो यहां पर 1/3 को बाहर कर ले और एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन निकाले तो ये माइनस से गुणा हुआ तो ये माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर dx, फिर इसको गुणा होगा तो ये माइनस में और 1/x का जब x के साथ गुणा करेंगे तो ये कट के 1 आ जाएगा यानी dx का इंटीग्रेशन होगा। अब ये उसी प्रकार है, यहां एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 और माइनस dx का इंटीग्रेशन x प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c है। अब ये उसी प्रकार और यहां पर x क्यूब बटा 3 में 3 से गुणा हुआ 9 आया और माइनस x प्लस c, ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है जो परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं इस तरह के प्रश्न और उसके लिए एक नया तरह का सूत्र है जो हम लोग प्रयोग में लाएंगे, उसको ध्यान से समझिए। इसमें आपको रहेगा ex और इंटू में कुछ फंक्शन दिया रहेगा, ये जोड़ में या घटाव में दिया जा सकता है लेकिन ये ध्यान में रखेंगे कि ये फॉर्मूला तब लगता है जब ex के साथ कोई फंक्शन रहता है और तब उसका इंटीग्रेशन आपको निकालना होता है। ये फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि ex इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx, यानी ये ex के इंटू में जो फंक्शन है उसमें जो पहला फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है उसके बीच में जो जोड़ का चिन्ह है तो इसका डिफरेंशिएशन करके सेकेंड वाले में दिया रहेगा, तब क्या होगा? तब इसका इंटीग्रेशन होगा ex
इनटू प्रथम वाला जो फलन था उतना में गुना हो जाएगा ex fx plus c, इसका इंटीग्रेशन होगा। तो ये सवाल हम जब देखेंगे तो देखते ही देखेंगे कि यदि sin x को fx मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन sin x का cos x होता है, यानी ये fx और ये f' x पर बैठ रहा है, यानी ये फॉर्मूला आपका यहां पर लगेगा। तो माना कि sin x बराबर fx, तो f' x बराबर आपका cos x आ गया, और हमारा सूत्र कहता है कि ex into fx plus f' x dx का इंटीग्रेशन होता है ex fx plus c, यानी यहां पर i बराबर होगा ex और fx के जगह पर हमारा sin x था, यानी ex sin x plus c इसका इंटीग्रेशन होगा। ये बहुत ही आसानी से आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा, केवल आपको देखना है कि अंदर वाले पद को आपको fx plus f' x के रूप में लिखना है, क्योंकि यहां पर आपको तो दिया हुआ था सेम फॉर्मूला पर बैठा हुआ था, लेकिन कुछ सवाल में आपको उस रूप में न दिया रहेगा तो आपको चेंज करना होगा। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, इसमें लिखा है x ex बटा 1 plus x का होल स्क्वायर dx। अब यहां पर जैसे ही ex आया तो हम यहां पर देखेंगे कि क्या x बटा 1 plus x स्क्वायर जो है आपका फंक्शन, इसको हम एक साथ सॉल्व करके इसको fx plus f'x के रूप में चेंज कर सकते हैं क्या। तो यहां पर आपका जो x बचता है उसको नीचे वाले पद के हिसाब से उसी रूप में आप चेंज करते हैं, पहले भी चेंज करते रहे हैं। यहां पर 1 plus x है तो इसको भी 1 plus x लिखेंगे, और चूंकि यहां पर केवल x था तो यहां पर जो 1 एक्स्ट्रा हमने लिखा है वो माइनस 1 कर देंगे, ताकि 1 माइनस 1 करके फिर आपका x आ जाए। तो इस रूप में लिखने से ex आपका बाहर रह गया, और एक बार 1 plus x के बटा में 1 plus x का होल स्क्वायर होगा। तो एक बार है यहां पर दो बार है, कटेगा भाग देने पर, और 1 बटा 1 प्लस एक्स, एक बार 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस एक्स जो है आपका बचेगा नीचे में, माइनस ये दूसरी बार में 1 के बटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये dx। अब हमको ये दिखलाना है कि यह fx है और यह आपका f' x है। तो यदि हम मानेंगे fx बराबर 1 बटा 1 प्लस एक्स, तो f' x क्या होगा, तो आप इसको देखिए कि यहां पर 1 बटा 1 प्लस x है, इसको हम मान लिया जाए कि x है आपका या t है, तो किसी भी चीज का इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये x के पावर n वाला फॉर्मूला पर टूटेगा। यानी यहां पर यदि हमारा 1 बाई एक्स है तो 1 बाई एक्स को हम x का इनवर्स भी लिख सकते हैं ऊपर ले जाके, और ये आपका x के पावर n के फॉर्मूला पर डिफरेंशिएशन होगा, जिसका फॉर्मूला होता है n x n माइनस 1, तो n था माइनस 1 तो फिर माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2। तो ये x का पावर माइनस 2 जब नीचे आएगा तो पॉजिटिव पावर होगा x का स्क्वायर, यानी आपका बचेगा माइनस 1 बटे x स्क्वायर। तो जब नीचे में कोई पद रहता है 1 बाई एक्स जैसे यहां पे है, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बटा x स्क्वायर। हम पीछे के डिफरेंशिएशन चैप्टर में भी ये आपको पढ़ा चुके थे, लेकिन फिर से यहां पर आपको हम समझा रहे हैं। तो यानी 1 बटा x को माइनस 1 बटे x स्क्वायर के रूप में लिखा जाता है, यानी आपका यह fx है तो ये आपका f'x के रूप में बैठा हुआ है। तो फिर आप यहां पर यही चीज लिखिएगा फॉर्मूला कि चूंकि ex fx plus f'x dx का इंटीग्रेशन बराबर होता है ex fx plus c, ये आप यहां पर लिख लीजिएगा, इसलिए i बराबर ex into fx जो था 1 बटे 1 plus x वो होगा, और ये गुना होके आपका क्या आएगा ex बटा 1 plus x plus c, इसका आंसर होगा। तो बच्चों आज हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं, अगले दिन इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।